गुजराती में क्या बोलते हैं वो पता है? नहीं, नहीं। कोक बोलियो। उंदर। देखो मायरा, मायरा बेटा खड़े हो जाओ, जोर से बोलो उंदर। हाँ, चूहे को उंदर बोलते, क्या बोलते? तो अपने उंदर का एक गीत गाना है, उंदर। चूहा ने, अब देखो मैं एक चूहे का चित्र बनाता हूं, तुम्हें से किसी को आता है? चूहे का चित्र कैसे बनाते हैं देखो। सबसे पहले उसका मुंह, उसकी चोंच जैसा लंबा मुंह होता है ना वो, फिर यहां मूछें, उसकी चूहे की मूछें होती है कि नहीं, है ना? हाँ। फिर यहां से उसके कान होते कि नहीं, कान। फिर यहां से उसका शरीर, और यहां से उसके पैर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहां से उसकी पूंछ, और यहां उसकी आंखें। है उसको गुजराती में शू कहवाई? जो उंदर, उंदर। देखो इसमें र आता है, द भी आता है, देखो, और उ ऐसे लिखा जाता है, उंदर, समझे? अब इसका एक गीत गाना है, क्या करना है? गीत गाना है। हाँ हाँ। एक तो उंदर कोटे पेरियो सुंदर, मतलब उन्हें बहुत अच्छा कोट पहना है। ऐसे कोट देखा है तुमने कभी? काले रंग का कोट देखा है? हाँ। तो कोट पहरियो सुंदर, हाथ माली दी सोटी, हाथ माली दी सोटी, वातो कर तो मोटी, वातो कर तो मोटी, होए जो मारे गौनी दुकान, होए जो मारे गौनी दुकान, कदी न पड़े खावानी तान, कदी न पड़े खावानी तान, उंदर से ना घूमती जाए, उंदर से ना घूमती जाए, चौकी पहरो करती जाए, चौकी पहरो करती जाए, गौनी रोटली करती जाए। दो हाथ से करो, गौनी रोटली करती जाए, उंदर सवैची ने खाए, उंदर सवैची ने खाए। अब एक बार छल्ले और गवाऊंगा, फिर उसके बाद सवाल। देखिए ये पूरा गीत गुजराती में है, ठीक है? मायरा देखो बेटा कौन है, बोलो बोलो। किसका नाम? आप इसे एक बार छेली बार देखो, गीत गुजराती में, किसमें? गीत गुजराती में, लेकिन आप समझ जाओगे। फिर मैं उसका सवाल पूछूंगा, वो सवाल का जवाब आप जो चाहो वो भाषा में दे सकते हो, ठीक है? पक्का? एक बार छेली बार जोर से गाना, कैसे? तुम कितने जोर से गाओगे? ठीक है, बस ठीक है। एक तो उंदर, एक तो उंदर, कोट पहरियो सुंदर, कोट पहरियो सुंदर, हाथ माली दी सोटी, हाथ माली दी सोटी, वातो कर तो मोटी, वातो कर तो मोटी, होए जो मारे गौनी दुकान,
होए जो मारे गौनी दुकान, कदी न पड़े खावानी तान, कदी न पड़े खावानी तान, उंदर से ना घूमती जाए, उंदर से ना घूमती जाए, चौकी पैरों करती जाए, चौकी पैरों करती जाए, गौनी रोटली करती जाए, गौनी रोटली करती जाए, उंदर सौवें चीने खाए, उंदर सौवें चीने खाए। चलो अब सबसे पहला सवाल, उंदरे केवा कपड़ा पहरिया छे, उंदर ने कैसे कपड़े पहने हैं? कोट पहना है, कैसे पहना है? कोट, जगह नहीं बदलनी है। हाँ, उंदरे केवा कपड़ा पहरिया छे, कोट, बराबर, कोटी नहीं, कोट, बराबर। फिर नीचे बैठो, मायरा देखो तो कौन है, कोई नहीं है ना बेटा, बस अब बंद कर दो। चलो दूसरा, उंदर ना हाथ मा शू छे। चलो ये सवाल है बेटा, बोलो। जोया है ना, जोया कहाँ गई? ये रही जोया, क्या नाम जोया, जाहिर क्या जोया, पापा का नाम क्या है? पीरू भाई नहीं है, वो सामने, ठीक है बेटा बंद कर दो। हाँ दूसरी जोया का, ठीक है। चलो दूसरा सवाल, उंदर ना हाथ मा शू छे, यानी लकड़ी, बहुत अच्छे। अपने गीत में आया था, हाथ मा लीधी सोटी, यानी उसके अपने हाथ में सोटी, सोटी यानी लकड़ी, मेरी भी लकड़ी थी, पता नहीं कहाँ है, चलो मैं अभी ढूंढ लूंगा। बेटा कहाँ जा रहे हो? इधर बैठो, अभी जाने दे रहा हूं, चलो सबको। दफ्तर रख दो नीचे, दफ्तर लेकर कभी बाहर नहीं जाना, ठीक है? कोई भी नया बच्चा जो भी हो, उसको दफ्तर लेकर बाहर नहीं जाना है। आज कौन नया बच्चा आया? आज नए पहले दिन हो ऐसा, तुम कहाँ पहले दिन है? आज पहले दिन ये आयशा और अक्षा दोनों आए, और कोई है जो पहली बार आए हो? नहीं, ये दो बच्ची आज पहली बार आई है, बाकी सब तो आते हो हर रोज, बराबर। तो बाहर बैठे दफ्तर लेकर नहीं जाना है, ठीक है। चलो तीजो सवाल, तीसरा सवाल, उंदर सेना शू करे छे। उंदर सेना शू करे छे? अंदर एक लीटी आई थी याद है, उंदर सेना घूमती जाए। तो बताओ उंदर सेना शू करे छे? घूमती मतलब दौड़ा दौड़ी करती है, भागम भागी करती है उंदर सेना। उंदर सेना यानी बहुत सारे उंदर। तुमने कभी, एक मिनट, तुम्हारे घर पे उंदर है या नहीं है? चूहा उंदर है? कितने है? एक है, दो है, तीन है? वो क्या खड़े रहते कि भागम भागी दौड़म दौड़ी करते? तो ये उंदर सेना। तुम कभी वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो तो उसमें टप्पू सेना है कि नहीं? उसी तरह उंदर सेना, उंदर सेना मतलब बहुत सारे उंदर। उंदर सेना घूमती जाए, चौकी पैरों करती जाए, यानी उंदर सेना दौड़म दौड़ी भी करती है, और कोई आ ना जाए उसका उसका उसको देखती भी है, कोई आ ना जाए ऐसे चौकी भी करती है, उसकी ध्यान रखती है। हाँ, और खाती है, क्या खाती है? शू खाए थे? क्या नूडल्स का, इसमें नूडल्स आए थे, रोटली, बराबर। गवनी रोटली करती है, बहुत सरस बेटा अनामिका। हाँ अनामिका, देखो अच्छे से बोला, रोटली, ठीक है। चलो अब सवाल सुनो बराबर ध्यान से, जो तमे उंदर हो तो तमे शू करो, यानी अगर तुम चूहा हो, तुम उंदर हो तो तुम क्या क्या करोगे? खड़े होकर बोलो, कौन बोलेगा? ठीक है, फलक नाज पहले तुम बोलो तो, क्या करोगी उंदर, अगर अगर तुम उंदर हो तो क्या करोगी? खड़े होकर बोलो। रोटली खाओगी? कैसे? खुद से बना के? कभी चूहा खुद से रोटली बनाता है? नहीं।
वो खाता है। अगर मान लो तुम चूहे होते तो तुम क्या क्या करते? सबसे पहले तो क्या करते? भागने का सोचते, भागम भागी करते। हाँ बोलो अल्फिया, क्या करते अगर तुम चूहे होते तो? खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, एक मिनट सुनो। हाँ क्या हुआ? मतलब घर में रहकर खाते, किसी के घर में घुस जाते, ठीक है, फिर भागम भागी करते, फिर क्या क्या करते बताइए? चूहे, चूहे ने वो कागज कुतर डाला, वैसे तुमने कभी देखा है? है सब कुछ चीज वो कुतर डालता है, मुंह डाल देता है। हाँ बराबर, चूहे, चूहा का मुंह कैसे होता है? अपने अपने मुंह से वो किस तरह सूंघता है, किस तरह सूंघता है? ऐसे बहुत आवाज नहीं करता। लाओ वो ले दो, वो मुझे दे दो, लाओ लाओ इधर आओ, उसके उसके माथे पे तुम गुंदर डालते हो, लाओ इधर लाओ, किसका है? तो तुम क्यों लिए हाथ में? बोलो, मार पड़े? तुमने बाहर बहुत रखते हो गुंदर, अब से नहीं मिलेगा। मैंने अभी भी बोला था सब कुछ चीजें दफ्तर में रख दो, तला आगे बस, ठीक है। और तला तुम खड़े होकर बताओ, चलो तुम चूहे होते तो क्या क्या करते? ठीक है, दूसरा सवाल, तुमने तमे उंदर ने सुसु करता है जोयू से, मतलब तुमने चूहे को क्या क्या करते हुए देखा है? जब तुमने चूहे को देखा तब वो चूहा क्या क्या करता था वो बताओ? भागता था, अनामिका ने भागते हुए देखा है। और किसी ने कुछ करते हुए देखा है? क्या देखा है बोलो? एक मिनट, हाँ कपड़े खाते हुए, कपड़े, हाँ वो कपड़े को कुतर लेता है ना, ठीक है। और एक सवाल सुनो बेटा, और ये कौन बातें कर रहा है बेटा? ठीक है, ये चूहे क्या अभी अपने गीत जो गाया ना गीत, उसमें वो चूहा क्या सोचता है? नहीं नहीं नहीं, अभी अपने जो गीत गाया उसमें चूहा क्या करने को सोचता है? नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, रोटली नहीं, गलत गलत जवाब है। नहीं, क्या करने को वो सोचता है? आपने अभी तीन बार गीत गाए, नहीं तीन बार अपने गीत गाए उसमें आ गया, गीत में जवाब था, चूहा क्या करने को सोचता है पता है? देखो वो ये सोचता है, होए जो मारे गौनी दुकान, यानी वो सोचता है अगर मेरे गेहूं, गेहूं देखा तुमने? गेहूं, गेहूं देखा है? वो चूहा सोचता है अगर मेरे गेहूं की दुकान होती तो कितनी अच्छी होती। वो ये सोचता है, वो ये सोचता है कि भोज जो मारे गेहूं नहीं, मतलब वो सोचता है कि काश मेरे पास गेहूं की दुकान होती तो कितना अच्छा होता है। मान लो अगर तुम्हारे गेहूं की दुकान हो तो तुम क्या करते बताओ? गेहूं खाने बैठ जाते? कच्चे गेहूं खाए जाते कभी? अगर तुम्हारे पास गेहूं की दुकान होती तो तुम क्या करते? बेचते। बेटा अभी जाने देता हूं, बेटा नीचे बैठो, अभी अपने सब साथ, दफ्तर तुम नीचे रख दो, दफ्तर लेकर बाहर मत निकलो, ठीक है, दफ्तर रख दो, दफ्तर रख दो, हाथ से निकाल दो दफ्तर बस, ठीक है। चलो अब चूहे की, अब चूहे के बारे में, किसी को चूहे की तरह यहां दौड़ना करना आता है? चूहे किस तरह दौड़ते ये करना आता है? यहां कौन आएगा? चलो यहां चूहा बन के कौन है? आओ यहां आओ, यहां यहां चूहे की तरह चलते हुए या दौड़ते हुए दिखाओ तो कौन दिखाएगा चूहा किस तरह चलता है? आओ यहां आओ, कौन आएगा? तुम आओगे? आओ नियाज, चूहे किस तरह दौड़ते हुए दौड़ के दिखाओ। मास्क कहां है तुम्हारा? ले लो, ठीक है। चलो चूहे की तरह देखिए, नियाज दौड़ के बताता है, चूहा किस तरह दौड़ता है दौड़ के बताओ, चूहा किस तरह दौड़ता है दौड़ के बताओ।
नियाज, चूहा किस तरह दौड़ता है, दौड़ के बताओ। कौन बताएगा? चूहा, तुम बताओगे? नियाज, चूहा किस तरह दौड़ता है, दौड़ के बताओ। हाँ बताओ जोया, देखो। अरे बहुत अच्छे जोया, मैंने जोया के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छे। चूहा किस तरह दौड़ता है और कौन अच्छे से बताएगा? साजिद तुम बताओ, चूहा किस तरह दौड़ता है? ए ये तो बिना पूछ वाला चूहा है। तुम बताओ किस तरह दौड़ता है चूहा? अरे हाँ इसी तरह दौड़ता है रे नियाज। चलो और कौन आएगा चूहे की तरह दौड़ने के लिए? आओ हिना। हाँ ठीक है, बराबर ठीक है। चूहा कौन कौन से कलर का होता है? एक मिनट, नीचे बैठो। चूहे कौन से कलर का होता है? काले कलर का। काले कलर के अलावा? एक मिनट, सीधे बैठो। व्हाइट कलर का होता है? सफेद कलर का देखा है चूहा? सफेद कलर का भी होता है, वो काले कलर का भी होता है, सफेद कलर का भी होता है। ठीक है, चूहे की पूंछ क्यों होती है, कोई बताएगा? हाँ लेकिन ये पूंछ होती क्यों है? हमारे तो है नहीं, देखो तो तुम्हारे पीछे पूंछ है, देख लो तो है तुम्हारे पीछे, नहीं है ना? लेकिन इसको तो पूंछ है, इसको पूंछ क्यों है? एक मिनट, हाँ क्योंकि वो दौड़ते हुए गिर ना जाए। आपने चूहे को कभी देखा इतनी पतली जगह पर भी दौड़ के जाएगा? इतने इतनी छोटी सी जगह हो गई तो भी उसमें उसके उसके ऊपर से दौड़। एक दोरी हो ना, दोरी तुम्हारे घर के वो टीवी का वायर होगा तो टीवी के वायर पर भी दौड़ के जाएगा वो, देखा है? हाँ वो झूले जैसा टीवी के वायर पर भी दौड़ता है, दौड़ता है। अब बताओ, मान लो अगर उसकी पूंछ ना हो तो वायर से गिर जाएगा? पूंछ की वजह से वो वायर के ऊपर से भी दौड़ के जा सकता है, एक डोरी के ऊपर से भी चूहा दौड़ के जा सकता है। हम जा पाएंगे? हम डोरी के ऊपर से नहीं जा पाएंगे। हम इतनी संकड़ी ऐसे ऐसे पारी हो ना दीवार की तो भी हम गिर जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि हमारे पूंछ नहीं है। हमारे पूंछ होती ना तो हम भी पतली जगह पर ऐसे चल के दौड़ के जा सकते। हाँ ऐसा होता है कि नहीं है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए कितने बजे, अभी 2 बज गए बराबर। बहन जी मैं तो आज भेजने वाला था घर पे, मैं मास्क मास्क है ही नहीं उस